साउथ इंडिया के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर जारी हो चुका है। नागाश्विन के डायरेक्शन में बने इस फिल्म को जबरदस्त वीएफएक्स के साथ तैयार किया गया है। विजुअल इफेक्ट्स का एक्सट्रीम यूज ट्रेलर में साफ दिखता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण पद्मा नाम की एक प्रेग्नेंट महिला का रोल कर रही हैं, जो अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद करती नजर आती है। वहीं एक्टर की बात करें तो प्रभास साउथ सिनेमा के ऑडियंस के दिलों पर तो काफी लंबे समय से राज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी दर्शकों की पसंद वो बाहुबली द बिगनिंग से बने थे, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र बाहुबली का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके डायलॉग से लेकर उनके फिजिक और कहानी तक ने लोगों को काफी एंटरटेन किया था। तेलुगु भाषित इस फिल्म को हिंदी में करण जौहर ने प्रेजेंट किया था। सैकनील की रिपोर्ट की माने तो बाहुबली 1 ने उस समय 118 करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। उसके बाद जब साल 2017 में बाहुबली 2 आई तो इस फिल्म को थिएटर्स में बाहुबली 1 के मुकाबले डबल ऑडियंस तो मिली ही, लेकिन साथ ही फिल्म ने डबल बिजनेस भी किया। अब वापस लौट कर आते हैं कल्कि के ट्रेलर पर। भैरव बने प्रभास इस कहानी की अहम कड़ी है, जो अंधकार और रोशनी के बीच दिखाई देंगे। एक्टर शाश्वत चटर्जी ने फिल्म में कमांडर मानस का रोल किया है, जो अंधकार की दुनिया के राजा हैं। कमांडर मानस के कहे अनुसार भैरवा पद्मा के खिलाफ जंग लड़ेगा या उसकी मदद करेगा। ट्रेलर में यही कहानी दिखाई गई। प्रभास का किरदार ट्रेलर में काफी दमदार दिखाया गया, हालांकि बीच बीच में उनके फनी डायलॉग्स दर्शकों को कंफ्यूज कर सकते हैं। वहीं कई हिस्सों में किरदारों के डायलॉग्स भी समझने में मुश्किल लगे। ट्रेलर की शुरुआत दुनिया के आखिरी शहर काशी से होती है। यहाँ रह रहे लोगों की स्थिति बेहद खराब है। ट्रेलर में एक अनोखी दुनिया दिखाई गई है, जहां हर कोई सुप्रीम यास्किन को पूजता है। इस दुनिया के कमांडर मानस हैं, जो अंधकार को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी बीच उन्हें 6000 साल पुरानी एक चीज मिलती है, जो इस बात का संकेत है कि इनकी दुनिया में रोशनी आने वाली है। रोशनी यानी अंधकार की दुनिया के लिए खतरा। अब इस बीच ट्रेलर में गर्भवती पद्मा की एंट्री होती है। यहाँ कहानी को समझने के लिए अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन को रखा गया है, जो हर किरदार की सच्चाई जानते हैं। वो पद्मा को बताते हैं कि उन्होंने अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया है। कमांडर मानस पद्मा को खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए सबसे दमदार यानी कि भैरवा को भेजते हैं। इस जंग में भैरवा का सामना अश्वत्थामा से होगा। जंग कौन जीतेगा ये तो फिल्म देखकर ही साफ होगा। इस फिल्म में कमल हासन अहम किरदार निभाने वाले हैं, हालांकि उनका लुक अभी तक रिवील नहीं किया गया। कल्कि 2829 एडी का ट्रेलर देखने में काफी हद तक ऑस्ट्रेलियन फिल्म फ्रेंचाइजी मैड मैक्स की तरह लगता है। ट्रेलर में वीएफएक्स की भरमार है। इस तरह की डार्क थीम प्रभास की पिछली फिल्म सालार में भी दिखाई गई। ट्रेलर में एक साथ कई किरदार दिखाए गए हैं, जिन्हें चंद मिनटों में ट्रेलर में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पद्मा बनी दीपिका पादुकोण को ट्रेलर में कम जगह मिली। फिल्म की थीम की बात करें तो वो भी सवालों में। एक तरफ फिल्म को माइथोलॉजिकल किरदारों से जोड़ा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को जगह दी गई है। वहीं एक्ट्रेस दिशा पाटनी का ट्रेलर में कम सेकंड्स का रोल है, जो कि एक्शन करती दिखाई देती है। बता दें कि प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन जैसे बड़े स्टार से सजी इस फिल्म को 27 जून को रिलीज किया जाना है। फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में नजर आएंगे, जबकि प्रभास फिल्म में भैरवा का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म को साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर नागाश्विन ने डायरेक्ट किया है। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसे माइथोलॉजी से जोड़कर बनाया गया है। फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी को 600 करोड़ रुपए के मेगा बजट से तैयार किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इस मेगा बजट के साथ साथ ये भारत की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। तो एक्टर प्रभास की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर अगर आपने भी देखा है तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।